नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष सॉल्यूशन। दोस्तों आपने कल का मार्केट देखा होगा किस तरह से ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में दोस्तों ट्रेडिंग कर रहा था, एक लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। अगर कल की डेट में जो रिटेल इन्वेस्टर बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के अंदर अगर अपनी जो है दोस्तों ट्रेडिंग करते तो इधर एक लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आज की डेट की हम बात करें तो मार्केट है जो 17,700 के आसपास दोस्तों इधर ट्रेड कर रहा है। तो आज की डेट में अगर हम इन्वेस्ट करते या फिर अगर हम ट्रेडिंग करते अगर अपवर्ड में तो एक अच्छा जो प्रॉफिट के चांसेज रहते हैं। लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, निफ्टी की रेंज क्या है, तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को इतना सारा एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर के दोस्तों जितने भी रहते हैं इन्वेस्टर वो एक लॉस कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भैया हमें पता चल जाए कि मार्केट किस लेवल पर जा सकता है, कितने लेवल रहेगा, क्या मार्केट का ट्रेंड रहेगा, तो दोस्तों कैसा रहेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इन सब जितने भी निवेशक हैं दोस्तों इनकी प्रॉब्लम को आज सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं दोस्तों ऑटो ट्रेंडर द्वारा। दोस्तों ऑटो ट्रेंडर के द्वारा ये सब पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों आज मैंने अपने वीडियो में आपके लिए और मेरे लिए एक खास मेहमान को दोस्तों इन्वाइट किया। तो आज के हमारे जो खास मेहमान गांधी सर है, इनको आप लोगों ने बिजनेस टीवी, बिजनेस के जितने भी टीवी हैं दोस्तों न्यूज चैनल पर, यूट्यूब पर आपने देखा होगा। तो आज का जो मेहमान है दोस्तों बहुत ही खास है, जो जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों इधर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए हम आज के दोस्तों जो हमारे खास मेहमान है गांधी सर, उनसे मुलाकात करते हैं। आरोस्तीज गांधी जी, सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी सॉल्यूशन में। बहुत दिनों से लोगों का वेट था कि जो ऑटो ट्रेंडर है उसके बारे में एक जो वेल एजुकेटेड है, जिसको पर्सनली इस जो प्रोडक्ट के बारे में पता हो, उससे बात करने के लिए लोग वो थे। तो फाइनली सर आज आपसे मुलाकात होगी। तो सर फर्स्टली आपका वेलकम है, आपने जो अपना जो इतना कीमती समय है हमारे दर्शकों के लिए दिया। जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा, आपके दर्शकों को, आपको, कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। इनफैक्ट मैंने भी आपका पर्सनली आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और काफी यूजफुल वीडियो, काफी नॉलेजेबल वीडियो आप लोग डालते हैं, तो इस वजह से मैंने शायद बहुत ही क्विक रिएक्शन में हाँ बोल दिया रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपने आज चैनल मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर अभी शुरू करते हैं सर बिना टाइम को के। सबसे पहले सर एक बात बताइए कि जो एग्जैक्टली ऑटो ट्रेंडर है जो एसएमसी द्वारा स्टार्ट किया गया, ये है क्या और वर्क कैसे करता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एसएमसी ऑटो ट्रेंडर की बात करें तो बेसिकली ये है क्या, ये एक बेसिकली इन हाउस टूल है रिसर्च का। जो रिसर्च टीम हमारी एसएमसी की रिसर्च टीम है, ओवर द पीरियड्स हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है एज इन टेक्निकल एनालिसिस, एज इन डेरिवेटिव एनालिसिस, तो हम लोगों ने कोशिश करी अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूज करके इस टूल के अंदर डालने की, ताकि जो एक नॉर्मल डे टू डे ट्रेडर है, जो एक नॉर्मल लेमैन है, जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख पाया या इतना टाइम नहीं है जो एनालिसिस को इतना टाइम दे, उसके लिए चीजें थोड़ी हम लोगों ने आसान बनाई है, जो जिससे कि मार्केट के ट्रेंड के बारे में एक नॉर्मल ट्रेडर भी जान सकता है, चाहे उसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है या नहीं है। तो बेसिकली ये एक रिसर्च टूल है जो डे टू डे ट्रेडिंग में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो सर मतलब कि जैसे कि कोई अगर स्टार्ट भी कर रहा मान के चलो, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि स्टॉक को कैसे पिक करें, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, मतलब ओवरऑल जो ऑटो ट्रेंडर है, जब भी आप किसी स्टॉक का मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर है अगर उसके अंदर पिक करता है तो मतलब सब कुछ उसको पूरी रिसर्च करके देगा फाइनली। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इस रिसर्च टूल को बनाने का हमारा मकसद ही यही है कि जो डे टू डे ट्रेडर्स हैं, जो लोग बेसिकली फुल टाइम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं लेकिन क्यूरियोसिटी रहती है मार्केट में डेली बेसिस पे, कि किसी तरीके से हमें एक रिसर्च का हेल्प मिल जाए, हम लोग खुद ब खुद एक इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, और हमें पता लग जाए कि आज बाजार का ट्रेंड क्या रहने वाला है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट में परफॉर्म कर सकता है, ऐसा कौन सा स्टॉक है इनफैक्ट जिसके ऊपर हम लोग बेट कर सकते हैं। देखिए डे टू डे ट्रेडिंग में बेसिकली ट्रेडर्स को फिलहाल क्या होता था, आज तक डिपेंडेंसी देखते थे हम लोग अपने क्लाइंट्स के पास। डिपेंडेंसी अगर मैं बात करूं तो हमें या तो डिपेंड होना पड़ता था किसी ना किसी रिसर्च गाय के ऊपर या किसी बिजनेस चैनल के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर, ताकि हम लोगों को टिप्स मिल सके, हम लोगों को एक नॉलेज मिल सके और हम लोग मार्केट से पैसा कमा सके। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, अगर एज अ डे ट्रेडर या एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर मैं कहीं ना कहीं रिसर्च फुल टाइम नहीं भी कर पाता तो भी इस टूल की हेल्प से मैं कहीं ना कहीं मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ, अच्छे खासे ट्रेंड्स को पिक कर सकता हूँ, सही स्टॉक को पिक कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं अपने ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल ले सकता हूँ। अच्छा सर, दूसरा बहुत सारे ऐसे जैसे टेक्निकल इंडिकेटर है जैसे MACD है, उसके बाद RSI है, बोलिंजर बैंड है, अगर चाहे तो मतलब वो अपने एडिशनल भी ऐड कर सकता है या फिर जो ऑटो ट्रेंडर के अंदर ऑटोमेटिक सब कुछ ऑलरेडी है,
कुछ ऐसा है कि अगर मतलब किसी को लगे कि मैं एडिशनल भी कोई टूल अप्लाई करना चाहता हूँ? जी बिल्कुल, ये तो अगर देखिए किसी को ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज है भी, जैसे कि आपने कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताए, देखिए जिन लोगों को इन इंडिकेटर्स की नॉलेज है, टेक्निकल चार्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक एड ऑन फीचर उन अपनी स्टडी में आप ऐड कर सकते हैं, मतलब दिस इज कैन बी अ चेरी ऑन द केक। तो आपकी जी ऑलरेडी जो नॉलेज है उसको एक वन स्टेप फॉरवर्ड आप लेके जा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। बिकॉज हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को अगर मैं नेकेड आई से वॉच करना शुरू करूं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद यही था कि उन सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम लोग सिग्नल्स प्रोवाइड करें, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद सिग्नल्स प्रोवाइड करे। तो बेसिकली कहीं ना जी कहीं उन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स को, जिनमें से कुछ नाम आपने अभी लिए, उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज करके हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया जो कि इमोशनलेस है, एक ऑटोमेटेड मशीन है जो कि आपको मार्केट के सिग्नल और मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान के चले जो मार्केट हावर्स है वो रहता है 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक काम करता है। जी अगर मान के चलिए इस टाइम के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे जो काम काज कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली इस मार्केट सेशन में टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या मार्केट ऑफ टाइम में, मतलब जब मार्केट वर्क नहीं कर रही है, तो क्या जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, उस टाइम पे भी जो ये ऑटो ट्रेंडर है इसका जो रिसर्च है वो काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट पॉइंट नोटिस किया कि क्या ऑफ मार्केट एनालिसिस मैं इसमें कर सकता हूँ, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखिए इस टूल का जो सबसे यूएसपी है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो यही है कि आपको लाइव मार्केट में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। देखिए मार्केट में ऐसे काफी जी सारे टूल्स हैं जो कि आपको प्री मार्केट एनालिसिस करके देते हैं कि आज हम लोग जैसे देखते हैं रात को डाउ जोन्स क्या बंद हुआ, सुबह एसजीएक्स क्या ओपन हो रहा है। उसके बाद काफी सारे टूल हैं जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस देते हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे डेटा, ईओडी डेटा जी प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो सबसे बड़ा यूएसपी है, वो यही है कि लाइव मार्केट में आपको बेसिकली पोजीशंस किस डायरेक्शन में बन रही है, कहाँ मार्केट जाने वाला है, या क्या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा या एक दायरे में कारोबार करता रहेगा। तो ये सिग्नल्स एक तो मुझे लाइव मार्केट में मिलते रहेंगे। दूसरी जो आपने क्वेश्चन किया वो ये कि 3:30 के बाद क्या मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो कि ट्रेडर्स हैं डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करते, कई ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे आपने दर्शाया कि अपने बिजनेस में मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि स्टॉक मार्केट को मैं फुल टाइम ये बिजनेस की तरह कर सकूं, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस जी करके हम लोग डिलीवरी ट्रेड इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे यहाँ पे परचेज करने चाहिए या फिर मैं परचेज करके चल सकता हूँ। तो डिलीवरी पर्पज से यस इट कैन बी हेल्पफुल पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि हर 2 मिनट में ये ऑटो रिफ्रेश करता है, लाइव मार्केट के अंदर आपको बताता है कि मार्केट 3:30 तक कहां तक जा सकता है, किस लेवल पे एंट्री या एग्जिट करना चाहिए। ऑप्शंस में खासकर जो ट्रेड करते हैं वो लोग ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स ही होते हैं, खासकर मैं रिटेल ट्रेडर लेवल पे बात करूंगा, रिटेल ट्रेडर्स ओवरनाइट पोजीशन लेके कैरी करके, रिस्क कैरी करके, जो कम रिस्क एपेटाइट रखते हैं, कैरी करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। और साइड बाय साइड जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो मैं क्या चाहता हूं कि एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार स्नैपशॉट भी दिखाऊं कि ऑटो ट्रेंडर बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल है क्या और किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। देखिए बेसिकली मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो समझाया था कि ये बेसिकली क्या है, ये रिसर्च टूल है और एक वेब बेस्ड टूल है। वेब बेस्ड की अगर हम बात करें तो वेब बेस्ड का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप एक नॉर्मल वेबसाइट ओपन करते हैं उसी तरीके से इसको आप एक वेबसाइट की तरह ओपन कर सकते हैं। इसका जो यूआरएल रहता है वो रहता है smcautotrader.com। तो अगर आप इसको गूगल सर्च भी करेंगे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब होगा क्या, लॉगिन इसको वॉच करने से पहले एक बार आपको इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करवाना होता है। एक बार आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाए उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हम लोग के पास आ जाता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाता है, जिसके बाद हम लोग ओटीपी देते हैं डेली बेसिस पे लॉगिन पर्सपेक्टिव से। तो कहीं पे भी अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या फिर आपका टैबलेट ही क्यों नहीं है, किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आराम से एक वेबसाइट की तरह ओपन हो जाता है। तो वेबसाइट की तरह एक बार ओपन हो जाता है लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, तो इस तरीके से कुछ आपको ओपन होने के बाद आपको होम पेज दिखाई देता है। अब इस होम पेज में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसा डेटा है, क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एक डे टू डे ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, अच्छे से काम करते हैं जो कि मार्केट में। तो अब मैं एक बार आपको उसके थ्रू गो थ्रू करता हूं
कि किस तरीके से आप मार्केट डायरेक्शन जान सकते हैं इस ऑटो ट्रेंडर की हेल्प। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ एनालिसिस डाली है, कुछ डेटा एनालिसिस डाली है, जो कि हमारे क्वांटिटेटिव बेसिस पे है, यानी कि डेरिवेटिव डेटा के बेस पे है। उसमें हम लोग अगर लॉग इन करके देखेंगे तो हम लोगों ने एक डेटा डाला है निफ्टी ऑप्शंस का, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का, साथ के साथ निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर का। अब ये डेटा बेसिकली आपको काम कैसे करके देता है? इस डेटा में बेसिकली देखिए होता क्या है कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है ना, देखिए तीन ही तरीके से बाजार चलता है, या तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर हम लोग कहेंगे मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में है, कंसोलिडेशन में। तो सबसे पहले यही बिल्कुल जानना जरूरी है, सुबह जब मार्केट खुलती है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है दिमाग में एज अ ट्रेडर, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है किसी भी ट्रेडर के दिमाग में कि क्या आज मार्केट ऊपर जाएगा, क्या आज मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट में आज कुछ यस नहीं होगा, राइट? तो जी। सेम यही आंसर पाने के लिए हम लोग बेसिकली अभी तक डिपेंड करते थे। डिपेंड कहाँ करते थे? या तो हम लोग कोई बिजनेस चैनल ओपन करके देख लेते थे, राइट? या फिर हम लोग क्या करते थे, किसी न्यूज़पेपर को फॉलो कर लेते थे, जैसे कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया। बट ये सॉफ्टवेयर आपको लाइव मार्केट में बताएगा कि आज बाजार किस डायरेक्शन में जा सकता है, और जो टूल आपको लाइव मार्केट में बता देना, मुझे लगता है उससे बेटर आपको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी, कि आपकी अपनी खुद की स्क्रीन पे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का आज क्या डायरेक्शन रहने वाला है। तो अब मैं छोटा सा एक आपको स्नैपशॉट दिखाता हूँ डेटा एनालिसिस करके, कि आज जो आज हम लोग लाइव मार्केट में बैठे हैं, लाइव मार्केट में आज मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो उसके लिए जैसे मैंने समझाया, तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो सिमिलर है, बिल्कुल अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यानी कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड जाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में पैसा आना। मार्केट में अगर पैसा आ रहा है, दैट मींस मार्केट के लिए वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, मार्केट आज ऊपर जाएगा। देखिए पैसा क्या है? पैसा है मार्केट के लिए फ्यूल, जैसे गाड़ी का फ्यूल होता है पेट्रोल, वैसे ही स्टॉक मार्केट का फ्यूल होता है पैसा। तो अच्छा पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? वो मुझे समझ में आएगा अपना डेटा एनालिसिस करके। यहाँ पे है निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा, अभी आप देख पा रहे होंगे लाइव मार्केट में, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स डेटा पॉजिटिव फिगर यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसी तरह अगर बैंक बिल्कुल निफ्टी डेटा की बात करें, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ये नेगेटिव डेटा दिखा रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने ऑप्शंस का डेटा डाला है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो अगर कॉल ऑप्शंस का डेटा यहाँ पॉजिटिव है, देखिए अगर कॉल्स के अंदर पैसा आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और सिमिलर वे जी में अगर पुट ऑप्शंस में पैसा आ रहा है, कि वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो अगर राइट मुझे यहाँ तेजी खेलनी है, तेजी खेलने के लिए देखिए मेरे को दो इंडिकेटर चाहिए, या तो निफ्टी फ्यूचर में पैसा आ रहा हो, साथ के साथ कॉल्स में भी पैसा आ रहा हो, राइट? जी तो तेजी खेलने के लिए सबसे पहले मुझे देखना है क्या निफ्टी फ्यूचर में पैसा पॉजिटिव साइड है, बिल्कुल है। क्या ऑप्शंस में पॉजिटिव साइड है, कॉल्स ऑप्शन में? देखिए ये डेटा जो है कॉल ऑप्शंस का है, ये डेटा राइट हैंड साइड पे आपको पुट ऑप्शंस का दिखेगा। पुट ऑप्शन का जी, तो अगर निफ्टी फ्यूचर्स में यहाँ डेटा पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शंस में भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट, यानी कि बाजार को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, यहाँ पे पुट ऑप्शंस में भी डेटा आपका पॉजिटिव साइड है, यानी कि कॉल्स में भी पैसा आ रहा है, पुट्स में भी पैसा आ रहा है। तो यानी कि ये तो दोनों आपस में इंडिकेटर्स कोलाइड कर गए, यानी कि मार्केट आज कहीं ना कहीं रेंज बाउंड आपको दर्शा रहा है, कि रेंज बाउंड, साइडवेज जा सकता हूँ। जी साइडवेज जा सकता है, बिल्कुल। और हम लोग देख भी रहे हैं, आज सुबह से ही मार्केट एक दायरे में कारोबार कर रहा है, निफ्टी 17,500 के आसपास, कभी 520 जाता है तो कभी 480 आता है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। लीडिंग इंडिकेटर की बात करूं तो आपको लाइव मार्केट में बताता है कि आज आपको कॉल खरीदनी चाहिए या पुट खरीदनी चाहिए। तो फिलहाल लाइव मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कॉल ऑप्शंस में पैसा आ रहा है, साथ के साथ पुट ऑप्शंस में पैसा आ रहा है, दैट मींस मार्केट एक रेंज में है, एक दायरे में है। तो आज या तो आप कॉल खरीद लीजिए, उसका भी टाइम वैल्यू इरोड हो जाएगा, उसमें भी नुकसान लगेगा, पुट खरीदेंगे तो उसमें भी नुकसान लगेगा। तो दिस इज द वे टू डिटेक्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस भी दिन इस तरीके का डेटा बनता है, हम लोग मार्केट से बाहर रहते हैं, ना तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, ना तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। बिकॉज होगा क्या, मार्केट रेंज में फंसा रहेगा ना, तो कॉल का भी पैसा चला जाएगा और साथ के साथ पुट का भी पैसा चला जाएगा। हाँ, टाइम डिके के साथ जो प्राइस एक्शन वर्क करेगा तो प्राइस उसका टूट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है फिर उस दिन। जी बिल्कुल। तो ये लाइव मार्केट में अब हमने ये समझा कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट से हमको बचना है। बिकॉज देखिए साइडवेज मार्केट जब होती है ना, तभी रिटेल जो ट्रेडर है सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो दिस इज द बिल्कुल फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे टू डिटेक्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इन अ लाइव मार्केट। और ये टूल लाइव मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा। अच्छा सर, जैसे मान के चलिए इसका एक पार्टिकुलर ये वेबसाइट ही है या फिर कोई ऐप भी है, जैसे कोई एंड्रॉइड या एप स्टोर पे जैसे कि डायरेक्टली ओपन कर ले, या फिर एक वेबसाइट ही ऑप्शन है?
जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे फिलहाल तो ये एक वेबसाइट की तरह ही है, एक वेब बेस्ड टूल ही है, फिलहाल इसकी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन हम लोग लेटर ऑन स्टेज में हो सकता है लेकर आएंगे इसकी, ताकि चीजें और ज्यादा इजी टू यूज हो जाए एक ट्रेडर के परस्पेक्टिव से। बट फिलहाल के लिए एक रिसर्च बेस्ड वेब बेस्ड रिसर्च टूल है, तो एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह ही आप ओपन करके देख सकते हैं। अच्छा सर, अगर ओवरऑल जैसे मान के चलिए आप लोगों ने इसका एनालिसिस तो किया ही होगा, तो जैसे ऑटो ट्रेडर का सक्सेस रेट कितना है, कितने परसेंट तक ये जैसे वर्क करता है? जी मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% तो पॉसिबल नहीं होगा फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 100% तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आज की डेट में मार्केट में। आजकल तो 100% कोई गारंटी अपने प्रोडक्ट की कोई भी नहीं देता, और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। 100% श्योर शॉट अगर मैं बोलूँ आपको, और बड़े बड़े सपने दिखाएं कि 100% इसकी एक्यूरेसी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यस, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, डेरिवेटिव मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो तो आपके लिए एक एड ऑन, वन स्टेप फॉरवर्ड आप मूव कर जाते हैं। तो आपकी एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेडिंग में 60-65% की है, तो इस टूल को यूज करके आप अपनी एक्यूरेसी 75-80% तक की आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन समझने वाली बात है वो ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग इसको देख के करनी है या इसको देख के अगर सिग्नल्स लेने हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरी है डिसिप्लिन फॉलो करना। देखिए ट्रेडर्स जी सबसे ज्यादा बिल्कुल नुकसान क्या करते हैं, नुकसान तब करते हैं जब हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। और डिसिप्लिन क्या होता है कि हम बिल्कुल लोग स्टॉप लॉस नहीं काटते हैं, राइट? तो हाँ ऐसा नहीं है कि इसमें इंडिकेशन आया तेजी का और तो तेजी में स्टॉप लॉस नहीं करते। अब उस ट्रेडिंग के हिसाब से हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, किस स्ट्रेटेजी पे हमें, देखिए ये तो आपको एक बेसिकली ट्रेंड बताता है, बाजार का ट्रेंड बताता है, सेक्टर्स के बिल्कुल बारे में बिल्कुल बताता है, स्टॉक्स के बारे में बताता है, राइट? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्री और एग्जिट, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। फिलहाल हम लोग क्या करते थे, जब देखिए हमारे पास कोई टूल नहीं होता था ना, तो हम लोग आंखें बंद करके ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करते थे, राइट? अब होता क्या था, ब्लाइंडली चलने से नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन इस टूल की हेल्प से जरूर कहीं ना कहीं हमें जो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर देते हैं। जहां पहले हम 10 में से 6 ट्रेड्स में लॉस कर रहे थे, अब वही हमारी जो है लॉस करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 10 में से 6 से कम होके 10 में से 4 बार हो जाती है। तो अगर 2 बार भी मैंने अपना पैसा बचा लिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट किसी भी दिन कमा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन फॉलो करना। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इसको इसे ट्रेंड डिटेक्ट करते हैं, इसको रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं, तो मुझे लगता है 75% तक की आपकी एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग में कहीं नहीं गई। बट अगेन आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन में आपका पैसा एकदम से बनना शुरू होता है। चीज को समझना है, चीज को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए मुझे किसी भी नई चीज को टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो टाइम देना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। वही सर, आज की डेट में अगर आप रिटेल निवेशक देखोगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो मान के चलिए 2-4 दिन पैसे कमाते हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि जितना कमाया वो तो दे ही देता है, साथ में और भी अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी दे जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। डिसिप्लिन फॉलो अगर हमने नहीं किया ना, देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट हमेशा पैसा देगा, पैसा आपसे लेगा भी, लेकिन आपके ऊपर है कि आप छोटा लॉस करके निकलना चाह रहे हो। देखिए हम लोग अगर बड़े लॉस में पोजीशन होल्ड करके रखते हैं ना, तो अगला ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होती। एक तो कैपिटल हमारा ब्लॉक हो बिल्कुल जाता है, लॉस इतना हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, हम लोग इमोशन ले आते हैं अपने। तो एक तो इमोशनलेस ट्रेडिंग आप करिए, ठीक है? इसमें से अगर आपको कोई स्टॉक पिक करना है, जैसे मैं एक बार आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ किस तरीके से आपको सेक्टर यहाँ पे फिल्टर आउट करने इस सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो कभी भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं ना, तो सबसे पहले मान के चलिए कि कोई ना कोई लॉजिक के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं। अब वो लॉजिक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर 10 ट्रेड लेते हैं ना इसको देख के आप, तो 10 में से 6 से 7 बार आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठेंगे। हो सकता है स्टॉप लॉस 1-2 बार कटे, लेकिन उससे हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। पर मैं यहाँ पे ये भी आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ऑटो ट्रेंडर का, देखिए हम लोग मार्केट ट्रेंड तो हम लोग समझ गए, मार्केट ट्रेंड के लिए हम लोग डेटा एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन वेबिनार्स के थ्रू हम लोग इसको पूरी डिटेल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग लगभग लगभग 400 से 500 लोगों को एक साथ लेके एक वेबिनार करते हैं, और ये वीक ऑन वीक बेसिस होता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको लाइव मार्केट में सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने एक इसका टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। एक बार मैं आपको उसका टेलीग्राम चैनल का भी स्नैपशॉट दिखा दूंगा जाने से पहले, बट फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि ऑटो ट्रेंडर क्या सिर्फ मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए आपकी हेल्प करता है, या और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको डे टू डे ट्रेडिंग में काम आ सकती है। तो उसके लिए देखिए जरूरी है कि जो आप उन व्यूवर्स को मैं समझाना चाहूंगा जो कि इंडेक्स में ट्रेडिंग ना करके कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं,
तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक मॉडल यूज किया है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में बेसिकली जी जी हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स लिए हैं जो कि मार्केट में आपको मार्केट को मूव करने में ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपका मेटल्स हो गया, आईटी हो गया, फार्मा, एनर्जी, बैंकिंग इंडेक्स। अब बेसिकली होता क्या है कि हर दिन हर सेक्टर आपका ट्रेड यहाँ पे मूव नहीं करके दिखाता। तो अब ये मॉडल उन लोगों के लिए किस तरीके से काम करेगा जो बेसिकली इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करते, सेक्टर स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने मॉडल डाला है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का। इसमें बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने रैंकिंग कर दी हर एक सेक्टर की बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द बेंचमार्क इंडेक्स। तो अभी रैंकिंग बेसिकली किस बेसिस पे हुई है, जिस सेक्टर में ज्यादा स्ट्रेंथ है ये आपको टॉप पे दिखाएगा, जिस सेक्टर में वीकेस्ट है जो कि बॉटम मोस्ट है, स्ट्रेंथ जिसमें कम है वो आपको बॉटम मोस्ट रैंकिंग में दिखाएगा। जैसे कि लाइव मार्केट में अगर आज की बात करें तो फिलहाल मेटल काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो कि आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ये वो सेक्टर है जो पोस्ट मार्केट नहीं दिखा रहा है, ये आपको लाइव मार्केट में बता रहा है कि मेटल काउंटर कहीं ना कहीं आज मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, करने की प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ मान के चलते हैं हम लोग कि निफ्टी यहाँ से रनअप लेता है, 100, 150, 200 पॉइंट का निफ्टी यहाँ से भागता है, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, तो वो सेक्टर है आज के लिए हमारे पास मेटल काउंटर। तो अब वो ट्रेडर्स जो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, तो आज आपकी अप्रोच मेटल काउंटर के ऊपर रख सकते हैं रादर देन पुटिंग देयर फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक। देखिए लगभग 200 से ज्यादा स्टॉक है जो कि एफ एंड ओ सेगमेंट में, 150 से 250 स्टॉक ऐसे हैं जो एफ एंड ओ सेगमेंट में लिस्टेड है। अब ऐसे रिटेल ट्रेडर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टॉक के ऊपर मैं ट्रेड कर सकूं, तो उसके लिए मुझे टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जो चल सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया इस मॉडल के हिसाब से आज मेटल काउंटर है जो कि परफॉर्म कर सकता है। अब मेटल काउंटर में कौन सा ऐसा स्टॉक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं और अपने एंड आंसर पे निकलते हैं कि अब कौन से स्टॉक में मुझे किस प्राइस पे एंट्री या एग्जिट लेना है। तो दिस इज द वे टू डिटेक्ट द ट्रेंड एंड टू डिटेक्ट कि कौन सा सेक्टर है जो कि मार्केट को परफॉर्म, अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म। जैसे मैंने मेटल काउंटर को देखा कि आउट परफॉर्म कर सकता है, तो जब मैंने मेटल काउंटर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन हम लोग सेक्टर्स की लिस्ट दे देते हैं आपको, मेटल काउंटर के ऊपर जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेटल काउंटर के अंदर मेरे पे लगभग 9 स्टॉक ऐसे हैं जो कि एफ एंड ओ सेगमेंट में लिस्टेड है। अगर हम बात करें तो हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वेदांता है। तो अब मुझे फिल्टर आउट करना है कि उन 9 स्टॉक्स में से ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर मुझे बैट करना है, बिकॉज देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टॉक के ऊपर मैं पैसा बैट कर सकूं, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड ट्रेडिंग टाइम है। तो मुझे फिल्टर आउट करना है कि अब मेटल काउंटर में से ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि मैं यहाँ पे बैट कर सकता हूं। तो सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, जैसे हम लोगों ने सेक्टर फिल्ट्रेशन करी थी इसी तरीके से हम लोगों ने स्टॉक फिल्ट्रेशन करी। लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम के थ्रू ऑटो ट्रेंडर का सपोर्ट देंगे जो कि इसकी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। तो उसका एक बार मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं किस तरीके से बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल पे हम सपोर्ट देते हैं, तो ये आप अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये बेसिकली एक तरीके से आपका ऑटो ट्रेंडर का सपोर्ट तरीके से हम लोग लाइव मार्केट में आपको गाइड करते हैं कि आज डेटा किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि अगर हम लोग आज की बात करें तो आज सुबह 10:12 पे 10:15 हम लोगों ने इंडिकेशन क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था स्नैपशॉट के थ्रू कि आज इनिशियल डेटा साइडवेज विद बेरिश बायस बोथ राइटर्स एक्टिव एट सेम स्ट्राइक, यानी कि 17,500 की स्ट्राइक पे कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, यानी कि दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं मार्केट आज रेंज में रहने वाला है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि सुबह से ही बाजार 17,500 के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा। इसी तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी का इस तरीके से डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि लाइव मार्केट में आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से टूल काम करता है और किस तरीके से आपको इससे इंडिकेशन लेने हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया मेटल काउंटर कैन आउट परफॉर्म द मार्केट, इसी तरीके से हम लोगों ने स्नैपशॉट यूज किया था, मेटल काउंटर के ऊपर फोकस रखिए, फोकस ऑन मेटल काउंटर, और हमने देखा कि मेटल काउंटर में से काफी स्टॉक्स चले, जैसे हिंडाल्को चला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला, और हम लोगों ने ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपको इंडिकेट किया कि सेल फ्रॉम द मेटल काउंटर मेकिंग डे हाई। तो किसी ने अगर ये इंडिकेशन सुबह कैच कर लिया होता, वो स्टील अथॉरिटी के ऊपर बैट किया होता या हिंडाल्को के ऊपर भी बैट किया होता, देखिए यहाँ पे एनएमडीसी काउंटर एक चला, टाटा स्टील चला और उसके बाद हिंडाल्को चला, तो नाउ इट्स टर्न फॉर हिंडाल्को फ्रॉम मेटल काउंटर, तो कहीं ना कहीं हिंडाल्को भी यहाँ पे मोमेंटम कैच करता दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द अर्ली इंडिकेशंस बेसिकली हम लोग ऑटो ट्रेंडर से हेल्प लेके अपने
जो सब्सक्राइब जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको हम लोग लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड टेलीग्राम के थ्रू करते हैं। तो दिस इज द यूएसपी ऑफ द ऑटो ट्रेडर कि एक तो आपको लाइव मार्केट में अर्ली सिग्नल्स प्रोवाइड करता है मार्केट ट्रेंड के बारे में, साथ के साथ वेबिनार्स के थ्रू जो ट्रेनिंग में चीजें समझ में नहीं आती है जो मिस हो जाती है वो भी कहीं ना कहीं आपको हम लोग लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू यहाँ पे आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं सपोर्ट की तरह। तो दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटो ट्रेंडर जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया। अब यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे थोड़ी सी रिसर्च करके मार्केट से पैसा बनाने की यहाँ पे एक होप रखते हैं तो मेरे को लगता है छोटी सी एक फ्रैक्शन ऑफ क्लिक्स की हेल्प के साथ अगर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है पैसा बनाने के लिए तो मुझे लगता है वो कोई नुकसान का सौदा नहीं और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे ओपन अप किए हुए हैं फिलहाल ऑटो ट्रेंडर के। हाँ सर, एक्चुअली एक मतलब जब मैं सोच रहा था तो एक माइंड में मेरे भी आया था कि जैसे बात हुई थी कि आप लोग जैसे अभी रक्षाबंधन है, जैसे हमारा जो अभी 15 अगस्त आ रहा है, फेस्टिवल है ये भी हमारे देश का, तो सर इसके लिए कोई रहता है क्या कि जैसे कोई ऑफर दे रहे हो इसके अंदर, जैसे सब्सक्रिप्शन के अंदर बिल्कुल जो ये बिल्कुल चार्जेज है कुछ ऐसा है, या फिर चार्जेज है तो फिर है कितने इसके? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है 75वीं सालगिरह, तो इसी के साथ हम लोगों ने कुछ आइडिया लेके आए हम लोग की चलिए 15 अगस्त पे हम लोग एक ऑफर चलाते हैं। ऑफर की अगर हम लोग बात करें तो जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑटो ट्रेंड की सब्सक्रिप्शन लेके उसकी भी हम लोगों ने ऑफर ओपन किया है। साथ के साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो काफी साल से इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोगों ने एक रिन्यूअल प्लान भी इसमें लॉन्च किया हुआ है जो कि अभी फिलहाल 15 अगस्त तक वैलिड है और बीच बीच में इस तरह के ऑफर्स हम लोग लेके आते हैं। तो किसी भी तरह के ऑफर के लिए या प्राइस जानने के लिए आप हमारी एसएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे उस पर आप विजिट करिए। उसके ऊपर जो भी फिलहाल रनिंग प्लान है जैसे कि अभी हम लोग 3 महीने के प्लान के साथ दे रहे हैं रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का ऑटो टेंडर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि अगर कोई फिलहाल 3 महीने के प्लान लेता है तो 1 महीने का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है यानी 3+1 का ऑफर मिल जाता है, 4 महीने के लिए वो वैलिड रहता है। साथ के साथ एक जो एडिशनल टेलीग्राम चैनल रन किया जाता है एसएमसी के थ्रू मिस्टर नितिन मुरारका के थ्रू जो जिसमें आपके ऑप्शंस की कॉल्स वो प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस की कॉल उसका भी सब्सक्रिप्शन हम लोग फिलहाल 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये तो हो गया रिन्यूअल प्लान। अब जो फिलहाल क्लाइंट्स हमारे साथ नहीं जुड़े हुए यानी कि जो नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी रनिंग प्लान चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने के साथ 1 महीना फ्री है तो उसमें हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं प्लान के ऊपर। तो अलग अलग प्लान है बेसिकली 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए किसी को नया ट्राई करना है तो ट्राई करने के लिए आप छोटा प्लान ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता फिलहाल आप सीधा 12 महीने का प्लान लीजिए, 3 महीने आप इसको यूज करके देखिए अगर आपको फिजिबल लगता है देन गो फॉर अ बिगर प्लान। तो अलग अलग प्लान है जैसे मैंने पहले बताया सर आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देंगे उस लिंक पे आप क्लिक करिए, जी जितने भी प्लान हैं आपके सामने एक ही बार में ओपन अप होकर आ जाते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ टूल विच एक्चुअली प्रोवाइड्स गाइडेंस इन अ लाइव मार्केट तो मुझे लगता है ये कोई ज्यादा महंगा सौदा नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस हमने फिलहाल इसका सर, रखा है। फिलहाल जो एंड अप करूंगा मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, फिलहाल जो मैंने आज आप लोगों को समझाया ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑटो टेंडर का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक डिटेल ट्रेनिंग भी हम इसकी प्रोवाइड करते हैं। आई विल अगेन रिपीट कि इसमें कम से कम फुल ट्रेनिंग देने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है एक ट्रेनर को। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कोई नुकसान का सौदा नहीं है, नॉलेज गेन करिए, पैसा बनाइए स्टॉक मार्केट से और इसी तरीके के टूल को यूज करके जहाँ जो अभी तक हम लोग आंखें बंद करके ट्रेडिंग कर रहे थे फिलहाल एक हमें एक लॉजिकल ट्रेडिंग के पीछे एक आपको रीजन जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों ये थे हमारे जो सर थे, आप लोगों ने इनको बहुत सारे बिजनेस चैनल के ऊपर भी देखा होगा, जैसे CNN है, उसके बाद जी बिजनेस है, जो सतीश गांधी सर जो एक बहुत ही अच्छे फाइनेंस एडवाइजर हैं, और साथ में आपको बता दिया ऑटो ट्रेंडर के बारे में जो SMC द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका लिंक आपको फाइनली इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट जरूर करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि भैया ये आपके लिए सही है तो इनके जो प्लान है वो इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उधर जाकर आप इनका कोई भी प्लान है जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में इनको आपको जो टेलीग्राम सपोर्ट है वो मिलेगा, जो इनके ऑलरेडी वेबिनार चलते हैं उनके अंदर आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगी। और फाइनली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भैया बिना सोचे समझे आप पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, आप जो ऑटो ट्रेडर की जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिससे आपको ट्रेंड एनालाइज करने में एक बेहतरीन जो अवसर आपको देता है, इसके द्वारा ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली सर, सतीश गांधी सर, आप लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतना आपने जो कीमती समय दिया, और लोग भी इससे बहुत ज्यादा एजुकेट हो पाएंगे। फाइनली इधर जो ऑटो ट्रेंडर का लिंक है सर, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए डाल दिए, जिसको भी दोस्तों ये मतलब कंफर्टेबल लगता है, या जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो
फुली मतलब इनको एजुकेशन एजुकेट करने में मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मेरा आइडिया है कि जिस रेंज में आपने बताया 70% तक ये जो इसकी सक्सेस रेट है, तो जो पैसा ये एक बार में इन्वेस्ट करेंगे वो तो बहुत ही जल्दी इनका एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया और हमारे सब्सक्राइबर को इतना टाइम दिया। और होप करते हैं कि जो सब्सक्राइबर है वो जो हमारा टू ऑटो ट्रेंडर है उसके टूल यूज करके एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो कमा पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद अपने चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपके दर्शकों भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।